किस्सा। हाल ही में एक इवेंट के दौरान एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने अपनी फिल्म कुछ कुछ होता से कुछ अनसुने किस्से शेयर किए। रविवार रात को हुए इस इवेंट में काजोल और रानी मुखर्जी दोबारा एक स्टेज पर साथ में दिखाई दिए। इसी दौरान रानी ने बताया कि उनके लिए फिल्म के सेट पर कोई मिल गया गाने पर छोटी ड्रेस पहनकर डांस करना काफी मुश्किल था। दरअसल फिल्म के आइकॉनिक गाने कोई मिल गया में रानी मुखर्जी ने मिनी स्कर्ट पहनकर डांस किया था। फिल्म के इस गाने को काफी पसंद किया गया। इस दौरान फिल्म में टीना का रोल निभाने वाली रानी मुखर्जी ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान वो सिर्फ 17 साल की थी और उन्होंने इससे पहले कभी कोई शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनी थी। इवेंट में बातचीत के दौरान काजोल ने कहा, जब मैंने रानी को इतनी छोटी ड्रेस में पहने देखा तो मुझे लगा कि ये डांस नहीं कर पाएगी। उस ड्रेस में तो हिलना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन रानी ने बेहतरीन डांस किया, बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ग्रेसफुल। इवेंट के दौरान काजोल ने उनसे पूछा कि अगर इससे पहले उन्होंने कभी कोई शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनी थी तो उन्होंने फिल्म के गाने कोई मिल गया पर शॉर्ट ड्रेस पहनकर डांस कैसे किया। इस सवाल का जवाब देते हुए रानी ने कहा, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने ऐसा कैसे किया। मैंने सिर्फ फ्लो के साथ अपने दिल को फ्लो किया और स्टेप्स पूरे करते गई। मैं उस समय 17 साल की थी और इतनी छोटी ड्रेस इससे पहले कभी नहीं पहनी थी, इसलिए मैं ड्रेस को लेकर काफ़ी नर्वस हो गई थी। जब करण और मनीष मल्होत्रा ने पहली बार मुझे ये आउटफिट दिखाया तो वो गाउन जैसा था और फिर उसकी लंबाई छोटी होती गई। रानी ने आगे बताया, जब कैमरा मैन ने ये आउटफिट देखा तो उसने कहा, वाओ क्या ये ड्रेस बेबी सना की है। किसी ने उन्हें जवाब दिया, नहीं ये रानी पहनने वाली है। ये सुनकर वो भी चौंक गया था। हालांकि सेट पर मौजूद सभी ने मुझे ड्रेस को लेकर परेशान न होने के लिए कहा और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। मेरे साथ शाहरुख थे, काजोल दीदी थी और करण और फराह थे जो डांस की कोरियोग्राफी कर रहे थे। सभी ने मुझे काफी सपोर्ट किया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।